1000 करोड़ रुपए के चौल लैंड स्कैम में आज महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आई। शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत एक बार फिर खबरों में हैं। पहले संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई, अब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के बाद संजय राउत के परिवार और उनके करीबी से जुड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी। कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इसमें प्रवीण राउत से जुड़ी संपत्ति करीब 9 करोड़ की, जबकि 2 करोड़ की कीमत वाले दादर में फ्लैट और अलीबाग में प्लॉट के संजय राउत की पत्नी से जुड़े होने का आरोप है। तो प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं, छोटा घर है। आपकी शरद पवार से या उद्धव ठाकरे से बात हुई? जरूर, क्यों नहीं होगी, फोन आया था सबका। हमारे लोग मेरे साथ है, हम एक परिवार है और रहेंगे। ऐसे झूठ मूठ से, ऐसे बेकायदेशीर गैर कानूनी तरीके से अगर लगता होगा हमारे जैसे व्यक्ति चुप बैठेगी तो आप गलत फहमी में हो। संजय राउत भले इनकार करें, लेकिन ईडी की जांच के मुताबिक आरोप है कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए एचडीआईएल से मिले थे, जिसमें से प्रवीण राउत ने 1,60,00,000 रुपए अपनी पत्नी माधुरी को ट्रांसफर किए। प्रवीण राउत की पत्नी ने उसमें से 55,00,000 रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा को इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर दिए। इसी पैसे से दावा है कि दादर में फ्लैट खरीदा गया। अब इस कार्रवाई के बाद फिर से महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वाली सियासत शुरू हो गई। न्याय प्रक्रिया आणि लोकशाही ही देशात आहे की नाही, जर असे स्टेटमेंट्स राजकीय लागले की कोणाला अटक होणार, काय होणार आणि त्या ऍक्शन तशा कारवाई व्हायला लागल्या, तर मग आपल्या देशात खरोखर डेमोक्रेसी राहिली आहे का? जरूर, इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा आहे। उन्होंने जो बताया की कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ उनको पूछा नहीं और ऐसे कार्रवाई की, तो इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला ये पूरा मामला करीब 1000 करोड़ रुपए का है, जिसमें जांच जारी है। आरोप है कि जमीन और फ्लैट दिलाने के अलावा कैश में भी डील हुई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।